मेरी बताई हुई ये 5 एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर लीजिए। एक महीने में आपको आपके हिप फैट पे, चाहे आपका थाई फैट हो या इनर थाई फैट हो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा डिफरेंस फील होगा। आपकी बॉडी को एक अच्छा शेप मिल जाएगा, स्पेशली लोअर बॉडी पार्ट को। लोअर बॉडी पार्ट की जब भी हमको एक्सरसाइज करते हैं तो उसके दो बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट तो प्राइमरी मसल है ही कि अगर आपके इनर थाई पे फैट है, आउटर पर है, क्वाड्स पर है, हैमस्ट्रिंग पर है या फिर बूटी पर है, तो जो भी एक्सेस फैट है वो जाएगा और आपकी मसल्स को एक अच्छा शेप मिलेगा। सेकेंड जो प्राइमरी मसल होता है वो होता है स्पेशली आपका लोअर बेली। लोअर बेली लेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज आता है कि एज करने के साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और टमी हमारा बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करने लगता है, बाहर आने लगता है। तो ऐसे में अगर आप ये वाला वर्कआउट करते हैं तो इससे आपके टमी पे भी बहुत अच्छा खासा असर दिखाई देगा। तो देरी किस बात की, फटाफट से शुरू हो जाओ। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लो, एक मैट ले लो, घर पर थोड़े से स्पेस में एज इट इज बिना किसी इक्विपमेंट के मुझे फॉलो करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा वर्कआउट। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट पर लेट जाना है पीठ के बल। उसके बाद में आपने क्या करना है, इस तरीके से अपनी हिप को ऊपर होल्ड करना है और स्क्वीज करना है। देख लीजिए हैंड्स आपके यहाँ रहेंगे लाइक दिस, पूरा स्क्वीज करेंगे अपने हिप्स को हम, और टमी को भी हम खींच के रखेंगे इस तरीके से। देन डाउन अगेन अप, देन डाउन। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, रिपीटेशन करेंगे 20 टाइम्स और इसके हम करेंगे 4 सेट्स। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद खाली पेट भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग एनी टाइम, बस आपको रोजाना के 10 मिनट देने हैं। रिलैक्स, तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है सेकेंड एक्सरसाइज की, उसमें आपने क्या करना है, इस तरीके से लाई डाउन हो जाना है मैट पर, ठीक है। उसके बाद में 1 लेग को इस तरीके से फ्रंट पे रखना है और जो आपका लाई डाउन है ना लेग बिल्कुल डाउन वाला, उसको आपने इस तरीके से अप एंड डाउन करना है। करेक्ट पोजिशन फॉलो करिए, जितनी रिपीटेशन बता रही हूँ वो करिए, अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा। 20 टाइम्स ईच लेग और इसके हम करेंगे 3 सेट। रिलैक्स, अदर साइड भी हम सेम करेंगे। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, उसके लिए आप अपने हैंड्स को इस तरीके से मैट पे प्लेस करेंगे, दोनों लेग्स को इस तरीके से मैट पे रख लेंगे, नीज को, ठीक है। उसके बाद में आपकी कमर बिल्कुल अंदर की तरफ रहेगी बेंड, अपर बॉडी मूव नहीं करना है। उसके बाद में आपने अपनी लेग को इस तरीके से अप साइड लेके जाना है, देन डाउन, जहाँ पे आपका नी है यहीं स्टॉप होगा, अप एंड डाउन 20 टाइम्स ईच लेग 4 सेट्स। 20 × 4 हम कर लेंगे 80। अदर साइड सेम। रिलैक्स, तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, इस तरीके से हैंड को आपने प्लेस करना है,
आपका जो डाउन लेग है वो फोल्ड रहेगा और जो अपसाइड वाला लेग है इस तरीके से, ठीक है। आपने क्या करना है, फ्रंट लेके जाना है, देन बैक, जितना हो सकता है फ्रंट, जितना हो सकता है बैक, 20 टाइम्स ईच लेग, 2 सेट्स। हम ये सारी एक्सरसाइजेस फॉलो करेंगे जितनी मैंने वीडियो में बताई है, जितनी रिपीटेशन बताई है, करेक्ट पोजिशन के साथ हम फॉलो करेंगे, कोई भी अपनी साइड से मिस मत करना। अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा, आप इसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करिए और एक महीने बाद कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अभी सेव कर लो, शेयर कर दो जमकर। अदर लेग, रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये वाला वर्कआउट बेहद पसंद आया होगा। ऐसी कुछ नया देखना चाहते हैं तो मुझे अपना प्यार देते रहें। प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर है तो पेज को फॉलो करें, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो @ishra_mehra। मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।